हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी डिमांड बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कर रहे थे और आपको पता है दैट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक और टॉपिक क्या है दैट इज़ यूनियन बजट ओके यूनियन बजट ट्वेंटी अब आप लोग कह रहे हो सर हमने तो इसका नया नाम सुना है दैट इज इंटरम बजट ट्वेंटी बिल्कुल मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊँगा कि जो बजट का मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है और इस बार के बजट के एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे इस लेक्चर के बाद आपको अदर कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे सारे पॉइंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं ओके लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको स्कोर करना है क्योंकि ये बजट का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम परस्पेक्टिव से ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या करंट जो बजट से रिलेटेड है ओके ओके लेट्स स्टार्ट सबसे पहले अगर मैं बजट की बात करूं तो जो बेसिक जो पहली बार बजट वर्ड सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बजट होता क्या है उसके बाद इस बार के बजट जो है उस पर डिस्कशन करेंगे ओके सबसे पहले मैं बजट बता दूं संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बजट की है क्या वर्ड यूज है बजट की आर्टिकल नंबर हंड्रेड स्टेटमेंट ट्वेल्व है ना कि बजट ओके और इसी को ही हम आमतौर पर बजट के नाम से जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओके अब आप सोचेंगे बजट होता क्या है देखिए बजट एक बहुत सिंपल सा हो सकता है जैसे आप भी कहीं फॉर एग्जांपल इन अपने घर से बाहर रहते होंगे तो अपना बजट बनाते होंगे कि इतना पैसा मेरे पास है और इतना पैसा मैं खर्च करूंगा तो इसी को हम कहते हैं एक तरीके से बजट तो बजट याद रखिएगा गवर्नमेंट का जो बजट होता है गवर्नमेंट के पास कितने गवर्नमेंट के पास सोर्सेज ऑफ़ इनकम है कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सरकार एक पूरा बजट बना के रखती है और ये बजट जो रहता है सरकार का एक साल का रहता है मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो बजट आया है अभी के बजट की तो मैं अलग से बात करूँ क्योंकि वो इंटर्न बजट है बट नॉर्मली जो बजट होता है वो एक अप्रैल फॉर एग्जाम्पल से लागू होगा और कब तक रहेगा थर्टी मार्च तक रहेगा ठीक है तो अब मैं जो बजट का डिस्कशन करने वाला हूं देख सकते हैं पर तो यहां डेफिनेशन लिखी हुई बजट बजट की क्या कि स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिसेप्ट क्योंकि अब आगे का फ्यूचर है ना फ्यूचर का रिसेप्ट हम बना रहे हैं कि इतना पैसा आएगा रिसेप्ट मतलब इतना इनकम सरकार के पास आएगी एस्टिमेटेड रिसेप्ट इतनी होगी एक्सपेंडिचर इतना होगा ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च तक ओके ये होता है बजट की एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई अब ये इंटरिम बजट क्या होता है ये क्यों न्यूज़ में क्यों आ गया है और इस बार का जो बजट है उसको इंटरिम बजट क्यों कह रहे हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओके okay. सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है बजट जो है वो प्रिपेयर कौन करता है ये आपको याद रखना है तो याद रखिएगा बजट डिवीजन में याद रखिएगा डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो इसको वो एक नोडल बॉडी है जो बजट को प्रिपेयर करता है ठीक है और ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट बजट देश का 1947 में रखा गया था और अभी आपको पता है अभी जो बजट आया है उसको हम इंटरिम बजट कह रहे हैं ठीक है और ये बजट जो है वो निर्मला सीतारमन जी रख रही हैं और सिक्स टाइम आपको याद रखना सिक्स स्टेट बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का मतलब सिक्स बजट रखने वाली निर्मला सीतारमन है आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बार बजट ये रख चुकी नहीं इनसे ज्यादा बार भी मोरारजी देसाई जो है वो टेन टाइम्स बजट को रख चुके हैं तो अभी ये हाईएस्ट में तो नहीं है अभी टाइम ही इन्होंने रखा क्योंकि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है ओके okay. बजट आया फर्स्ट फेब को आपको लोग सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट फेब को आया ठीक है तो फर्स्ट फेब को आया तो आपने तो बोला फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से स्टार्ट होता है ठीक है तो एक अप्रैल को आ जाता है बजट ठीक है एक्चुअली फर्स्ट स्टेप को इसलिए आया क्योंकि बजट को फिर पास करने के लिए टाइम लगता है उसका एक प्रोसेस है ठीक है जो अभी मैं यहाँ पर प्रोसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बट एक प्रोसेस है पास करने का तो देखिए एक फेप को रखा तो करीबन दो महीने तक बजट हम मान के चल रहे हैं कंप्लीट पास हो जाएगा और फिर जो एक अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए आपके पास बजट रहेगा इसलिए एक फैप को रखा गया है ठीक है तो ये आपको याद रखना है बेसिक ठीक है तो फर्स्ट अप्रैल से लेके March ही financial year ये ये आपका होगा ठीक ठीक है 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 वाला जो है, जो अभी आया है, ये April से ले April 2024 से लेके लेके तक के लिए नहीं है, क्योंकि ये बजट जो है वो इंटरिम बजट क्या होता है तो चलिए अब आप मैं आपको दोनों बज़ेट, फुल बज़ेट, जिसको आप के रूप से जानते और इंटरिम बजट जो अभी आया है उसके मैं डिफरेंस बताता हूं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा देखिए कभी भी जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं अभी आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में लोकसभा इलेक्शन है तो उस टाइम पर सरकार अपना बजट रखती है पूरी तरीके से बजट रखती है ठीक है इंटरम नहीं पूरा बजट रखती है तो याद रखिएगा उससे ये हो सकता है जो कमिंग वोटर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है ठीक है और वो हो सकता है उस गवर्नमेंट को वोट कर दें इसीलिए देखते हुए पूरा बजट नहीं रखा जाता इंटरम बजट रखा जाता है जहां पर मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है ऐसे सरकार ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं करती है तो इस बार का भी जो इंटरिम बजट आया उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है ठीक है कहने का मतलब याद देखिए जो इंटरिम बजट होता है वो दो से चार महीने के लिए ही होता है क्यों होता है दो से चार महीने के लिए अगर लेटर सपोज सरकार बजट इंटरिम बजट नहीं रखती है ठीक है तो होगा क्या अभी तो कोई दिक्कत नहीं बट फर्स्ट अप्रैल को क्या होगा फर्स्ट अप्रैल 2024 को सरकार पैसे ही नहीं रहेंगे क्यों क्योंकि वो वाला 31 मार्च पिछले साल का बजट का वो टाइम पीरियड तो लैप्स हो जाएगा और फर्स्ट अप्रैल को इलेक्शन चलते रहेंगे उस टाइम पर तो क्या होगा तो इसीलिए सरकार पहले से एक इंटरिम बजट रख रही है टू टू फोर मंथ्स के लिए ठीक है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितनी देर के लिए चाहती है और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी ठीक है वो फिल से फिर से पूरा कंप्लीट बजट रखेगी कहने का मतलब बता दूं इस साल आपको दो बजट दो बार बजट देखने को मिलेगा एक तो मैंने अभी आपको इंटरिम बजट पढ़ाने वाला हूं और उसके साथ साथ याद कि नई गवर्नमेंट आएगी ठीक है जब नया इलेक्शन होगा नई गवर्नमेंट चूज की जाएगी तो उस टाइम पर भी एक फुल फ्लेज बजट आएगा तो उस टाइम पर भी बजट आने वाला है मैं आपको बता दूं ठीक है सो फुल बजट याद रखिएगा मैंने अभी बताया फुल एंड बजट होता है पूरा एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए ठीक है दैट इज अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च जो मैंने आपको बताया जबकि जो इंटरिम बजट होता है ये इसमें टेम्प्ररी एक कह सकते हैं टेम्प्ररी पीरियड के लिए है ठीक है और ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं अप्रैल टू जुलाई मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फुल बजट रखा जाएगा ठीक है और ये बजट जो अभी रखा गया है इंटरम बजट याद रखिएगा फर्स्ट अप्रैल 2024 से लागू जाएगा और जब तक नई गवर्नमेंट अपना पूरा फुल फ्लेज बजट रखेगी तब तक ये बजट से सरकार अपने एक्सपेंडिचर वगैरह कर सकती है याद रखिएगा ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और जनरली इंटरम बजट कब कब पेश किया जाता है ये रखा जाता है कब जब इलेक्शन आगे रहते हैं जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन है इसलिए इंटरम बजट रखा है और जब नई गवर्नमेंट आएगी तो जुलाई ट्वेंटी में कंप्लीट बजट रखेगी ठीक है और जो फुल बजट रहता है वो नॉर्मल हर ईयर में फुल बजट रखा जाता है तो बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया आगे अगर बात करू तो फुल बजट में आप देखिए मेजर पॉलिसी चेंजेस होते हैं इंटरनल बजट में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं होते क्योंकि इलेक्शन ईयर है और आप मेजर चेंजेस करेंगे तो ऑफकोर्स आपने इलेक्शन कमीशन का एमसीसी सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना तो आप ऐसे पॉलिसीज या ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इट डज नॉट इंट्रोड्यूस मेजर पॉलिसी चेंजेस ठीक है इसलिए इस बार के इंटरम बजट में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है बट एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है यूनियन बजट जनरली एनुअली हर साल आता है ठीक है और इंटरम बजट क्या रहता है जब इलेक्शन ईयर होता है उसी टाइम पर रखा जाता है ठीक है जो फुल बजट है याद रखिए उसमें डिटेल डिस्कशन होता है स्कीम्स पॉलिसी सब पे डिस्कशन होता है जबकि आप इसमें देखेंगे ऐसा कोई डिस्कशन वगैरह डिवाइड रहता है मतलब ऐसा कोई डिस्कशंस नहीं होते ऐसा कोई स्कूटनी भी नहीं होती है इंटरिम बजट में क्योंकि इलेक्शन ईयर है ठीक है तो ये बेसिक सा डिफरेंस था इंटरिम बजट और फुल बजट में तो अभी क्या आया है अभी आया है इंटरिम बजट 2024 जो अभी रखा गया है और उसमें मैं आपको बताऊंगा सरकार ने मेनली क्या किया है जो सरकार की जितनी भी स्कीम्स रही हैं उनके बारे में सरकार ने बातें की हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बार का इंटरिम बजट ओके इस बार का जो इंटरिम बजट ट्वेंटी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने इस बजट को रखा आपको याद होगा नवंबर दिसंबर में 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोली थी कि इंडिया में चार कास्ट हैं इंडिया की चार जाति हैं वो क्या है प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो है गरीब दैट इज पुअर सेकेंड उन्होंने कहा था महिलाएं दैट इज वुमेन थर्ड उन्होंने कहा था युवा दैट इज यूथ एंड फोर्थ उन्होंने कहा था अन्नदाता जिसको हम कहते हैं फार्मर तो ये चार कास्ट हैं अब वो कास्ट नहीं है कि जो आप लोग कहते हैं ब्राह्मण और ये सब कास्ट बोलते हैं मोदी के अकॉर्डिंग ये चार कास्ट है इस पे देखिए आपको क्वेश्चन भी आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे आएंगे क्यों क्योंकि निर्मला सीतारमन ने भी इस बजट को स्टार्ट करते वक्त इन चार कास्ट की बात की है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये जो मैं बजट पढ़ाने वाला हूँ और सरकार का भी जो मेजर फोकस होने वाला है जो फोर प्रायरिटीज़ है गवर्नमेंट की वो है वुमेन फार्मर्स यूथ एंड पुअर रिमेंबर तो ये चीज़ आपको रखना है ये बजट भी इनकी के लिए बातें कर रहा है ठीक है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये आपसे ऐसे में इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सरकार के फोकस एरिया मैंने आपको बता दी कहाँ पर है पहला मैं गरीब की बात करता हूँ दैट इज पुअर पीपल की बात करता हूँ गरीब कल्याण देश का कल्याण ठीक है तो पूरा मैंने आपको पीआईबी से मैंने पूरा डाटा कॉपी किया हुआ है याद रखिएगा बजट सरकार ने ऑलरेडी हाईलाइट्स प्रोवाइड कर रखी है वहीं से मैंने सारे डायग्राम्स सारे पॉइंट्स वहीं से उठा के यहां पर रख दिए ठीक है थीके? तो ऑफकोर्स जो सरकार ने बोला है वही पॉइंट्स होंगे यहां पर ठीक है तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सरकार ने बोला है गरीब कल्याण देश के कल्याण में क्या क्या बातें बोली है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी मैं स्टार लगाता जाऊंगा ठीक है पहली बार सरकार ने बोला कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने चालू कर दिए ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए सरकार ने डायरेक्टली अकाउंट में आपके पैसे आए उससे क्या हुआ लीकेजेस कम हो गए लीकेजेस कम हो गए पहले अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता था तो आपको लोगों तक पैसे पहुंचाने के भी एक ए, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था वो जाकर उनको पैसे देते थे तो बीच में लीकेजेस भी होते थे और उनको एम्प्लॉय करते थे जो पैसे देंगे उन पे भी आपको पैसा लगाना पड़ता था मतलब खर्चा होता था उनके लिए भी तो अब सरकार ने सब हटा दिया बीच से सारे हटा डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं इससे सरकार ने बोला सरकार ने टू लाख करोड़ रुपीज सेव कर लिए जो सरकार के वेस्ट होते थे पहले तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला कि डीबीटी के थ्रू हमने सेवन लाख करोड़ जो है वो सेव किए बड़ी बात है ठीक है। दूसरी उन्होंने बात बोली है यहां पर जो वो, वो लिख लेना जरूर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है थीके? इन सबको पढ़ते जाओ बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है नेक्स्ट सरकार की पीएम स्वनिधि स्कीम थी ठीक है जहां पर सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करी क्रेडिट प्रोवाइड करी है सरकार ने कहा है हमने सेवेंटी लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड किया है ठीक है उसमें दस हज़ार रुपये बीस हज़ार रुपये पचास हज़ार रुपये तक का या देखिए सरकार जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है ठीक है तो ये सरकार ने अगली बात बोली है थर्ड पीएम जनमन योजना अभी आपने सुना होगा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी पहली इंस्टॉलमेंट भी रिलीज कर दी है ट्वेंटी करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं किसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पी पर्टिकुलर वन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ओके okay, तो सरकार ने ये बात भी बोली कि हम यहां पर पीएम जनमन योजना के थ्रू Thank you. पी वी की हेल्प कर रहे हैं जो ट्राइबल में भी और ज्यादा एक्सप्लॉयटेड हैं याद रखिएगा उनकी हेल्प करने की बात कर रहे हैं ठीक है पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार ने लॉन्च किया देख सकते हैं बजट में इन पॉइंट्स पर बोला गया ना तो क्वेश्चंस भी इन स्कीम्स पर आ सकते हैं ओके तो पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार ने बोला है यहाँ पर आर्टिसन और क्राफ्टमैन की हमने हेल्प की है अराउंड याद रखिएगा हम इस स्कीम के थ्रू उनकी भी हेल्प कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं गरीब कल्याण से देश का कल्याण सरकार ऐसे पॉइंट्स बोल रही है ठीक है ये सरकार ने इंटरनल बजट में बोला बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कि 25 करोड़ ए सॉरी 25 करोड़ पीपल को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले दस सालों में बाहर किया है तो आपको पता होगा बीजेपी गवर्नमेंट पिछले टेन ईयर से है ठीक है सो उन्होंने ये बोला कि हमने पच्चीस करोड़ लोगों को बाहर किया है और उसमें रैंक वन पे सबसे ज्यादा जिस स्टेट से लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हुए हैं वो है उत्तर प्रदेश अराउंड फाइव करोड़ पीपल ओके तो गवर्नमेंट तो का डाटा है नीति आयोग ने भी ये डाटा प्रोवाइड किया तो ये क्वेश्चन आप पर फ्रेम किया जा सकता है इस पर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सरकार अन्नदाता की बात करिए फार्मर्स की ठीक है मैंने बताया ना इस बार के इंटरव्यू बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बताऊंगा आपको ये स्टार लगाता रहूँगा मैं जैसे मैंने अभी लगाया पर सरकार अपनी स्कीम्स की बात कर रही है इसमें ठीक है वेलफेयर ऑफ अन्नदाता दैट इज़ फार्मर की वेलफेयर की क्या बात कर रही है आपको पता है पी किसान सम्मान योजना सरकार ने स्टार्ट की थी जिसमें सरकार सिक्स थाउजेंड पर ईयर फार्मर्स को प्रोवाइड करी थी टू की इंस्टॉलमेंट में ओके सरकार ने बोला इस, इस योजना के थ्रू हमने लोगों करीबन 11.8 करोड़ फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है ओके नेक्स्ट पीएम फसल बीमा योजना के अंदर हमने फोर करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट यह बोला है ठीक है नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ई नाम की बात की है सरकार ने ई नाम जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं लेट अस सपोज अगर आप कुछ खेती करते हैं ठीक है अब उसको आपको बेचना है तो आप मंडी में जाते होंगे मंडी में वो जो दाम बोलता होगा बिना क्वालिटी चेक किए ठीक है थीके? आपको वो दाम दे देता होगा और वो अपने ही सेलर्स को प्रोवाइड कर देता है उसकी बिडिंग नहीं करता हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो बिडिंग करके आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है बट वो ऐसा नहीं करता और कम कॉस्ट आपको मिल जाती है इससे बड़ी दिक्कत होती है सरकार ने ई नाम स्टार्ट किया है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल

सेलिंग टू मंडी स्टेट वो ई नाम के थ्रू सेल आउट करें तो सरकार ने बोला हमने जो ई नाम स्टार्ट किया जिसमें हमने वन हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन मंडीज को इंटीग्रेट किया है इससे देखा गया है अराउंड वन पॉइंट एट करोड़ फार्मर्स को हेल्प हुई है यहाँ देखिए उनको सर्विसेज मिली है प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो तीन लाख करोड़ तक का गया है ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा तीन लाख करोड़ तक का गया है तो आप लोग भी ई नाम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं ठीक है तो ये सरकार ने बात की अन्नदाता में प्लस सरकार ने भी बोला है कि हमने देखिए प्रोक्योरमेंट राइस ऑफ वीट का इस साल इंक्रीज भी कर दिया है आप देखिए उन्होंने सरकार ने एक डायग्राम भी दिया मैं डायग्राम दिखाया था आपको ये डायग्राम है राइस ऑफ वीट का देख सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आप देख सकते हैं थर्टी लाख मेट्रिक टन राइस का है और वीट का भी देख सकते हैं टू टू टन ठीक है राइज ऑफ वीट दोनों का ही सरकार ने प्रोक्योरमेंट राइट राइज ऑफ वीट का इंक्रीज किया तो गवर्नमेंट ने ये बात बताई है ठीक है और ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है नारी शक्ति वुमेन की बात कर रहे हैं ठीक है दैट इज मोमेंटम फॉर नारी शक्ति वुमेन के लिए क्या सरकार बोल रही है सरकार ने कहा है कि फीमेल एनरोलमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन गोन अप एट परसेंट तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं एनरोलमेंट उनका हाई एजुकेशन में बढ़ा है ठीक है नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम कोर्सेज की बात करें स्टेम कोर्सेज क्या होता है एस से साइंस टी e. से टेक्नोलॉजी ई से इंजीनियरिंग एम से मैथमेटिक्स स्टेम कोर्सेज में आप देखेंगे गर्ल्स और वुमेन्स 43 परसेंट ऑफ एनरोलमेंट है जो कि वर्ल्ड में याद रखिएगा हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है तो वुमेन्स का स्टेम कोर्सेज में एनरोल होना ठीक है 43 परसेंट ठीक है ना गर्ल्स एंड वुमेन वोमेन थ्री परसेंट ऑफ एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज वर्ल्ड में एक तरीके से हाइएस्ट है तो ये इंडिया की एक अचीवमेंट है ठीक है नेक्स्ट ये भी बोला गया जो पीएम आवास योजना है जिसके थ्रू हम घर प्रोवाइड कर करें सेवेंटी परसेंट हाउसेज जो है पीएम आवास योजना के अंदर वुमेन्स को दिया जा रहा है इन रूरल एरियाज तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है है ना सरकार ने भी बोला हमने देखिए वोमेन रिजर्वेशन लाया है फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हमने ट्रिपल तलाक को बैन किया है ठीक है तो ये सारी चीजें एक तरीके से वुमेन नारी शक्ति के लिए याद रखिएगा उनके मोमेंटम के लिए उनके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट बात कर रही है इवन गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि मुद्रा लोन मुद्रा लोन्स में आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या बोला मैं बताता हूं वुमेन एम्पावरमेंट की कैसे बात की इंटरम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि करीबन फोर्टी करोड़ लोन दिया गया है मुद्रा योजना के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर और कितना लोन दिया गया है ट्वेंटी लाख करोड़ मुद्रा योजना के अंदर लोन्स दिए गए हैं इसमें लोग अपना बिजनेस वगैरह स्टार्टअप कर सके ओके और खास बात इसमें यह बताई गई है ये जो लोन दिया गया है इसमें 70 परसेंट जो लोन है वो वुमेन्स इंटरप्रीनर्स को, मतलब को दिया गया है मतलब वुमेन्स को दिया गया है ठीक है 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स जो है वो वुमेन्स को मिले हैं तो अगेन एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है नारी शक्ति की यहां पर बात चल रही है ओके तो ये सारे स्टेटमेंट्स सा आप कोट कर सकते हैं कभी इंटरव्यू वगैरह में जाए या किसी से बात करें इस बार के बजट पर ओके नेक्स्ट बात करता रहा हूं पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात की है इसमें क्या बोला है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कोविड चैलेंजेस आप सबको पता है कोरोना आया हुआ था देश में स्टिल द टारगेट ऑफ थ्री करोड़ हाउसेज अंडर पी आवास योजना ग्रामीण विल बी कंप्लीटेड कंपीटेड जल्दी ही हम उसको अचीव कर लेंगे और ये भी बोला है कि टू करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप दो करोड़ और घर बनाएंगे नेक्स्ट फाइव इयर्स में ठीक है तो गवर्नमेंट ने यह बात इसमें की है अपने इंटरिम बजट में ओके okay. आगे गवर्नमेंट हेल्थ पर क्या बात करती है हेल्थ पर मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट ने क्या बोला है गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन सरकार इंकरेज करेगी गर्ल्स को नाइन टू फोर्टीन ईयर्स में ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके ओके okay, तो हेल्थ में सरकार किस में पे बात कर रही है सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन पर बात करी तो उसमें वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी गर्ल्स को ओके okay. नेक्स्ट सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक तरीके से न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम ठीक है इसको एक्सपीडाइट किया जाएगा मतलब तो और बेटर इंप्लीमेंट किया जाएगा ठीक है जिससे कि चाइल्डहुड के डेवलपमेंट न्यूट्रिशन डिलीवरी प्रॉपर हो सके ठीक है नेक्स्ट ये सरकार ने इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने इंद्रधनुष स्कीम सुनी होगी जहां पर वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो सरकार ने उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है यू विन प्लेटफॉर्म ठीक है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इम्यूनाइजेशन ठीक है जो मिशन इंद्रधनुष है ठीक है उसके उसको प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म रहे जहां पर सब चीजें अपडेट रहे तो सरकार एक प्लेटफॉर्म बना ली है यू विन प्लेटफॉर्म ओके नेक्स्ट सरकार ने यह भी बोला खास बात है आपने आयुष्मान योजना सुनी होगी आयुष्मान भारत

सरकार बना रही है ठीक है वेयर हाउस की डेवलपमेंट हो रही है है ना फूड प्रोसेसिंग की बात कर रही है कि भाई फूड प्रोसेस किया जाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ ठीक है फूड प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज किया जाएगा ठीक है मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे ये सारा कुछ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर हो रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और फार्मर्स को अपना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टोमेटो है तो टोमेटो को अगर बेच तो कम कॉस्ट मिलता है बट अगर आप किसी टोमेटो कैचअप इंडस्ट्री में जाकर टोमेटो को दोगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो ऐसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी

इस स्कीम के अंदर होता क्या मैं बताता हूं सरकार फाइनेंशियल टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है मतलब बड़े नहीं यहां पे देख सकते हैं बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थी या छोटी जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको सरकार क्या करती है फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस ओरिएंटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है ठीक है सरकार ने कहा हमने इतना सब प्रोवाइड किया है ठीक है छोटे मोटे माइक्रो यूनिट्स प्रोसेसिंग सेंटर्स पे ओके तो ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट क्या बात कर रही है गवर्नमेंट बात कर रही है हम प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्ट की तरह याद रखिएगा है ना गवर्नमेंट प्रमोट करेगी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी पोस्ट हार्वेस्ट मतलब वही वेयर हाउस वगैरह लगाना ठीक है जहां पर फूड को स्टोर किया जा सकता है तो वो बेटर करेगी गवर्नमेंट ठीक है प्लस नैनो डी की बात की है वो क्लाइमेटिक जोन्स में यूज करेंगे नैनो डी मतलब याद रखिएगा लिक्विड आपने सुना होगा नैनो लिक्विड डी ए पी दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की बात कर रही है गवर्नमेंट ठीक है तो उसका यूज करने की बात की है प्लस आपको बताओ आज हम ऑयल सीड्स जो हैं उस पर हम बाहर पर डिपेंडेंट हम इंपोर्ट करते हैं उसको तो हम आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान जो हमने चलाया है ठीक है उसके थ्रू याद रखिएगा हम ऑयल सीड्स पे भी आत्मनिर्भर होंगे मतलब तो हम खुद ऑयल सीड्स लगाएंगे ना कि हम बाहर से मंगवाएंगे ठीक है इस पर गवर्नमेंट बात कर रही है गवर्नमेंट ने बोला है, हम डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अब देखिए लॉन्च किया नहीं है बट सरकार बोली हम लॉन्च करेंगे क्योंकि यहां पर देखो बहुत सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती क्योंकि इंटरिम बजट है सरकार ने इस बात को बोला है ठीक है नेक्स्ट सरकार ने बोला है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरी के लिए एक्वाकल्चर के लिए याद देखिएगा सरकार और बेटर स्टेप अप करेगी जिससे याद कि एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी डबल एक्सपोर्ट हो सके ठीक है एग्रीकल्चर फिशरी सेक्टर में भी डेवलप हो सके इवन एक्वा पार्क्स फाइव इंटीग्रेटेड एक्वा पार्कस को सेटअप करने की गवर्नमेंट ने बात की है इस इंटरिम बजट में ओके okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट ये दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इनोवेशन की बात करते हैं आज डेट में आप देखिए कोई इनोवेशन की बात नहीं कर रहा है ठीक है बट सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन पे खास फोकस दिया है और बोला है उसके लिए सरकार एक लाख करोड़ का एक कॉरपस बना रही है जो कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो इसमें वो पैसा लेके आप इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सके रिसर्च में इन्वेस्ट कर सके ठीक है क्योंकि हमारे देश में में रिसर्च और इनोवेशन में खर्चा नहीं किया जाता है तो गवर्नमेंट ने देखिए उस पर भी खर्च करने की बात की है ठीक है अगर आप रिसर्च इनोवेशन करेंगे तो डिफेंस सेक्टर में भी आपको हेल्प होगा स्पेस सेक्टर में भी हेल्प होगा और इवन सरकार ने बोला हम एक नई स्कीम भी लॉन्च करेंगे अभी लॉन्च नहीं की है बट बोला है लॉन्च करेंगे जिससे कि क्या होगा जो आपका डिफेंस में है याद आत्मनिर्भरता आएगी डिफेंस सेक्टर में भी रिसर्च इनोवेशन में आत्मनिर्भरता आएगी ठीक है अब बाहर से आपको इतना सब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा आप खुद बनाएंगे उन प्रोडक्ट्स को ठीक है तो ये बात की है कि रिसर्च और इनोवेशन में भी गवर्नमेंट का इस बार का अच्छा खासा फोकस है ठीक है नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए देश में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक बहुत सही पाथ पे चल रहे हो ठीक है लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, बट आप देखिए गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत फोकस करेंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको रिटर्न्स देता है लेटर सपोज आपने ब्रिज बनाया ठीक है तो ब्रिज में से लोग जाएंगे उसका टोल मिलेगा आपको पैसा मिलेगा बट अगर आप सैलरीज दे रहे हैं ठीक है ठीक है या आप सब्सिडीज दे रहे हैं तो उससे सरकार को कुछ इनकम नहीं अन्न होती है उसे हम रेवन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं मैंने पढ़ाया हुआ है अगर आप मेरे बजट्स की वीडियो देखेंगे जाकर जो मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास की वहाँ मैं रेवन्यू रिसिप्ट रेवन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर सब में डिफरेंस बताया हुआ है ठीक है ऑफकोर्स सैलरी सब्सिडी ये सब भी इंपॉर्टेंट है बट जो रिटर्न सरकार को देता है वो देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खास बात की है और सरकार ने इसको इंक्रीज किया है बाय इलेवन पॉइंट वन परसेंट कितना इंक्रीज किया बताया इलेवन लाख इलेवन थाउजेंड इलेवन हंड्रेड इलेवन करोड़ रुपीज सरकार इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और दैट इज अराउंड 3.4 ऑफ जीडीपी ये हाईलाइट पॉइंट रहा है इस बार के बजट का ठीक है ये आपसे लोग पूछेंगे मैं भी इसको और एक्सप्लेन करूंगा सरकार कैसे इन्वेस्ट कर रही है बट अच्छी बात है सरकार इस पर इन्वेस्ट कर रही है ठीक है नेक्स्ट रेलवे की बात करें तो रेलवे में क्या बोला गया है रेलवे बोला है इंटरन बजट में कि तीन मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाई जाएंगी वो क्या है बता देता हूं जैसे हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर मतलब जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पे एक अलग से कॉरिडोर बनेगी वो ट्रेन वहां पे चलेगी ठीक है तो एक अलग ऐसे एरियाज में जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा वहां पर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और ट्रेन सिर्फ उन कॉरिडोर में चलेंगी या डेंसिटी बहुत ज्यादा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जहां पोर्ट्स हैं इतने सारे उन सबको कनेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी उनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनेगा उसमें सिर्फ वही ट्रेन चलेंगी पोर्ट टू पोर्ट कनेक्ट करने के लिए ठीक है एनर्जी मिनरल और सीमेंट के लिए या इनको कनेक्ट करते हुए ट्रेन चलेंगी उनके स्पेशल पाथ होगा वो कॉरिडोर में जहाँ पर सिर्फ इसको बेटर करने के लिए लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ठीक है नेक्स्ट गवर्नमेंट खास बात की है देखिए इसको भी स्टार लगाएता हूँ मैं फोर्टी थाउजेंड नॉर्मल रेल बोगीज जो उनको कन्वर्ट किया जा रहा है वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अगर आप वंदे भारत की ट्रेन में आप बैठे होगे तो आपने उसका स्टैंडर्ड देखा होगा उस तरह की बोगीज अब नॉर्मल रेल बोगीज में भी लगाई जाएंगी गवर्नमेंट का टारगेट है ठीक है और अगर मैं बात करूं आपके सामने यही रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कुछ बात करूं तो मैंने अभी बताया आपको कि तीन मेजर रेलवे कॉरिडोर्स बना रहे हैं ठीक है सरकार इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करने की बात कर रही है आपस में आप देख रहे हैं इंडिया अलग अलग कंट्री से हम बात करते हैं चाहे वो यू हो हर कंट्री से हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं फॉर बायोलेटर इन्वेस्टमेंट कि वो लोग हमारे आके इन्वेस्ट करें ठीक है तो इसकी भी बात की है कि बायोलेटर इन्वेस्टमेंट नेगोशिएट होंगे जिससे कि फॉरिन इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सके इंडिया में ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट्स जो हैं उसकी बात करें जो एयरपोर्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको बड़ा किया जाएगा एक्सपैंड किया जाएगा जो नए एयरपोर्ट्स नहीं है जहां पर नहीं है वहां नए एयरपोर्ट्स लगाए जाएंगे उड़ान स्कीम आपने सुना होगा उड़े देश का आम नागरिक उसके थ्रू नए एयरपोर्ट्स को भी बनाया जाएगा गवर्नमेंट ने बात की है ठीक है प्लस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेट्रोस यूज की जाएंगी नेमो भारत ट्रेन आपने सुनी होगी उसका यूज किया जाएगा ये सारी बातें इस बार के इंटरिम बजट में कही जा रही है देखिए मैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं इसको पढ़ने के बाद ना अगर आप बजट पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं ठीक है अब मैं हवाई जहाज की बात करता हूं एविएशन सेक्टर की बात करता हूं यहां पर सरकार ने क्या बात की है यहां सरकार ने बोला है कि अगर आप देखेंगे दो से लेकर अभी तक में देखेंगे तो एयरपोर्ट्स जो है वो एक तरीके से डबल हो गए कंट्री में करीबन सेवेंटी इस तरह वन फोर्टी नाइन हो गए हैं एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट डबल हो गए हैं ठीक है फाइव हंड्रेड सेवेंटी नए रेल नए रूट्स बन गए हैं एविएशन सेक्टर में जहां पर वन पॉइंट थ्री करोड़ पैसेंजर्स करीबन ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है तो नए रूट्स डेवलप हो रहे हैं नए एयरपोर्ट्स होंगे तो नए रूट्स बनेंगे ओके है ना नेक्स्ट ये भी बोला है कि हमारे जो इंडियन कैरियर्स हैं उन्होंने अभी थाउजेंड न्यू एयरक्राफ्ट को भी ऑर्डर कर दिया है क्योंकि इंडिया में अब आप देखिए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो उसके लिए नए थाउजेंड एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए गए हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी अच्छी बात की गई है कि देखिए नेशनल हाईवे को देखिए फाइनेंशियल ईयर पंद्रह दो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में देखिए 97,991 ये आपका किलोमीटर नेशनल हाईवे था अब कितना हो गया वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर किलोमीटर आप देखिए कार्गो ट्रैफिक देखिए वो भी इंक्रीज हुआ है आप इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट देखिए वो भी इंक्रीज हुआ है आप देखिए ये गवर्नमेंट डायग्राम्स दा, के थ्रू दिखा रही है एयरक्राफ्ट मूवमेंट वो भी इंक्रीज हुआ है और नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो मैंने बताया सेवेंटी फोर थे वन फोर्टी नाइन हो गए तो ये सारी गवर्नमेंट की जो उपलब्धियाँ हैं गवर्नमेंट ने इस इंटरम बजट में बताया है ओके नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी पर बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस डेवलपमेंट करना है आपको ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस करने की बात की है कैसे सरकार बोल रही है हम कोल ग्लासिफिकेशन और लिक्विफेक्शन कैपेसिटी को 100 मेट्रिक टन 10 को सेटअप से करेंगे टिल 2030 थर्टी आप कह रहे होंगे सर ये ए, कोल ग्लैसिफिकेशन क्या होता है ये कोल गैसिफिकेशन के थ्रू रखना सिन गैस बनाई जाती है ठीक है और सिन गैस जो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव है ठीक है तो क्लीन एनर्जी का प्रमोशन है सिन गैस तो इसीलिए बोला गया है कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी जिससे सिन गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और एक तरीके से ग्रीन एनर्जी पर प्रमोशन होगा ठीक है नेक्स्ट ये भी बोल दिया गया है कि जो कंप्रेस बायोगैस है ठीक है इसकी ब्लेंडिंग को बात की कीजिए फेस में अंदर ब्लैंडिंग होगी किसके साथ पी के साथ भी और सी के साथ भी याद रखिएगा सी की ब्लेंडिंग होगी ठीक है तो, ये तो बायो कंप्रेस बायोगैस की ब्लेंडिंग कंप्रेस नेचुरल गैस के साथ भी होगी और पाइप नेचुरल गैस के साथ भी होगी ये मैंडेटरी रहेगा और ये फेस मैनर में इसको ब्लेंडिंग की जाएगी क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं नेट जीरो एमिशन की बात की गई बाई ट्वेंटी सेवेंटी दिस इज इंपॉर्टेंट ये पूछा है कि नेट जीरो एमिशन क्या होता है ट्वेंटी सेवेंटी में सरकार का टारगेट भी है याद रखिएगा और बजट पर भी इंटरप बजट पर भी इसकी बात की गई है अब यह मत बसोड़ना था ट्वेंटी में एक भी ग्रीन हाउस गैस

कि आजकल ई-बसिस का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है गवर्नमेंट का ओके आप अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन में भी सरकार रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली की बात कर रही है कैसे सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करती है इन बजट में इस स्कीम के थ्रू आपको भी पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 1 करोड़ घर में या देखिएगा सोलर रूफ पैनल्स लगाए जाएंगे इससे क्या होगा इससे क्या होगा करीबन आपको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी सोलर पैनल्स लगाइए 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एवरी मंथ बिकॉज ऑफ दिस दिसर सोलर सोलर सोलराइजेशन अब आप कहेंगे सर ये तो पहले भी होता था पहले ये आप देखिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कॉरपोरेट हाउसेज में वहां होता है बट लोगों के घरों में नहीं लगी हुई है मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगें जिससे क्या होगा ऑफकोर्स थोड़ा महंगा आता है उसके लिए सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी ठीक है लोग सोलर पैनल्स लगाएं ठीक है और इससे आप करीबन आप ये देखिए 15,000 थाउजेंड टू एटीन थाउजेंड एनुअली आप अपना पैसा भी बचा पाओगे ठीक है तो ये भी क्लीन एनर्जी का एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है ओके नेक्स्ट ये देखिए सरकार ने क्लीन एनर्जी पर एक बात भी बोली है कि परसेंट इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल नॉन फॉसिल फ्यूल में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में अगर आप देखें तो इंक्रीज देखिए 2004 से लेके अभी 2023 तक 43.9 परसेंट नॉन फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है पहले 30.4 थी अब ये 43.9 हो गई तो गवर्नमेंट देखिए डाटा कंपेयर कर रही है ठीक है बता रही है कि उन्होंने कितने अचीवमेंट किए ठीक है एलपीजी कनेक्शंस आपको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू करीबन मोर देन टेन करोड़ से ज़्यादा लोगों को एल पी दिए गए हैं एल ई दिए हैं सरकार ने एल ई डी ट्यूबलाइट्स दी हैं एल स्ट्रीट लाइट्स दी हैं ये सारी चीज़ें एक ग्रीन एनर्जी को भी प्रमोट करती हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही है ठीक है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है इन्वेस्टमेंट में सरकार ने ये कहा है कि एफडीआई की अगर बात करो पिछले नौ साल में जब से बीजेपी गवर्नमेंट है ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि जो एफडीआई का इन्फ्लो है ठीक है वो करीबन 596 बिलियन है ठीक है फाइव नाइन्टी सिक्स बिलियन है और आप अगर देखेंगे टू थाउजेंड फाइव से टू थाउजेंड फोर्टीन में जितना एफ डी आई आया था उसका डबल है फाइव नाइन्टी सिक्स बिलियन मतलब क्या कह रहे हैं सीतारामन जी कह रही हैं कि जो इन्फ्लो दो हज़ार पाँच से दो हज़ार चौदह के बीच में आया था तो उससे डबल हमने इन नाइन ईयर्स में कर दिया है ठीक है मतलब जस्ट डबल ग्रोथ कर दी है 596 बिलियन या देखिए एफडीआई आया है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट बात कर रही है ओके आगे अगर मैं बात करूं तो विकसित भारत की बात की ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स फॉर विकसित भारत उसके लिए क्या करी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं क्वेश्चन आएगा ठीक है सरकार यहां पर बोली हम स्टेट्स को आपको पता राज्यों को 75,000 करोड़ रुपीस देंगे ठीक है फॉर 50 इयर्स 50 साल के लिए उनको इतना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स उनको लोन्स मिलेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन्स रहेंगे टू सपोर्ट रिफॉर्म्स बाय स्टेट मतलब स्टेट जो रिफॉर्म्स करना चाहता है उन रिफॉर्म्स को करें जिससे कि हमारा विकसित भारत जो है वो डेवलप हो सके सरकार देख सकते हैं दिस इज अगेन अ ग्रेट अचीव ग्रेट पॉइंट ये एग्जाम में आ सकता है ओके आगे नेक्स्ट सरकार ने एक जीएसटी की बात ये बड़ी अच्छी और ये देखिए जो इतना लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते इतना बट इतनी ग्रोथ हो गई है ठीक है इवन जीएसटी का जो बेस है ना वो भी बढ़ गया है मतलब जीएसटी का टैक्स बेस जो था उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अब टैक्स पे कर रहे हैं ठीक है और इनकम टैक्स स्लैब में देखिए कोई चेंज नहीं आया है डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि आपको भी पता ये इंटरिम है ये इंटरम बजट है ठीक है इसमें ऐसे कोई मेजर चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अभी भी वही है कि सात लाख रुपए अगर आप सालाना कमा रहे हो ठीक है एवरी ईयर कमा रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो वही पुराना वाला ही है इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन में भी गवर्नमेंट ने कहा है कि टू थाउजेंड में जितना इन्फ्लेशन था नाइन उसको भी हमने रिड्यूस कर दिया फाइव पे ठीक है तो इन्फ्लेशन पे भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है ऐसा गवर्नमेंट का कहना है ओके नेक्स्ट एवरेज रियल इनकम इसकी सरकार बात कर रही है एवरेज रियल इनकम अगर बात करें तो बोला गया है 2013-14 में जो पर कैपिटा इनकम थी देश की वो थी 68,572 और अभी आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम हो गई 98,374 तो करीबन आप देखेंगे 40, इव परसेंट फोर्टी फोर परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट करीबन इंक्रीज हो गई है आपकी पर कैपिटल इनकम ठीक है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बोला है कि फिफ्टी परसेंट याद रखिएगा एवरेज रियल इनकम इंक्रीज हुई है ठीक है अप्रॉक्सिमेटली उन्होंने फिफ्टी परसेंट बोला है बट तो रियलिटी में फोर्टी फाइव परसेंट टू फोर्टी सिक्स परसेंट है याद रखिए तो एवरेज इनकम याद रखिएगा जो इंक्रीज हुई है फिफ्टी परसेंट बिल्कुल स्टेटमेंट सही माना जाएगा क्योंकि ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है ओके तो नेक्स्ट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ को अगर आप कंपेयर करेंगे ब्राउन कलर से जो दिख रहा है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ है आप देख सकते हैं इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादा ऊपर है कंपेयर टू वर्ल्ड ठीक है तो वर्ल्ड से हम ऊपर हैं ठीक है थीके? तो आप यहाँ पर ई देख सकते हैं कोविड के टाइम पर ऑफकोर्स सबकी हालत बुरी थी बट उसके बाद देखेंगे इंडिया की जो जी ग्रोथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वर्ल्ड की एवरेज जी ग्रोथ से ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर बताऊं इंटरम यूनियन बजट में खास बात बोली है इस बार हर बार जीडीपी जीडीपी बोलते हो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है तो उन्होंने बोला है जीडीपी तो फोकस हमारा रहता है बट हमारा इस बार फोकस एक उन्होंने जीडीपी की नई डेफिनेशन ही दे दी है जीडीपी का मतलब होता है गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ओके तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं जी की नई डेफिनेशन इंटरम बजट में बोल दी गई है कि जी का मतलब ये भी है गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस नॉट ओनली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब जी का नया मतलब है गवर्नमेंट का ये एजेंडा दिखाता है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है ओके, नेक्स्ट आप याद रखिएगा एक डेवलपमेंट मंत्रा दिया है सबका साथ सबका विकास ये आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के उससे भी सुना होगा बट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सरकार बात कर रही है ठीक है है ना प्लस सरकार क्या बोल रही है ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्योंकि इंडिया में आपको पता है ट्रिपल डी है ट्रिपल डी मतलब इंडिया में डेमोग्राफी भी है मतलब हमारे पास यूथ पॉपुलेशन भी है मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया की डेमोक्रेसी भी है हमारे इलेक्शंस होते हैं आपको पता होगा इंडिया की डाइवर्सिटी भी है आप देख सकते नॉर्थ से साउथ आपको डाइवर्स कंट्री मिल जाएगी ये ट्रिपल डी जो है ठीक है अगर इसमें आप सबका प्रयास भी ऐड कर दें ठीक है तो याद रखिएगा जो सरकार का अमृत काल की अचीवमेंट है कि हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे टिल 2047 ओके तो ये सरकार ने अपने ही एक ये दैट इज़ बजट में बताया है। अब लोग आके मुझे कमेंट बॉक्स में मत करने लगा कि आप बीजेपी की या मोदी की जी की तारीफ कर रहे हो अरे यार ये मेरा काम है बजट पढ़ाना जो सरकार ने बोला वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही ना तो कमेंट मत करने लगा मैं उन सबके रिप्लाई नहीं करूंगा ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ऐसा करके आपको ऐसे वगैरह में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है क्योंकि ये एक मंत्रा है फॉर द डेवलप निशन ट्वेंटी फोर्टी सेवन ओके नेक्स्ट एक न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे आपने मुझसे तो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताइए लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेनर है ना ये मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे ठीक है बट अब नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया है ठीक है बिजनेस में क्या आ गया नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गया है इकोनॉमी में देश की इकोनॉमी में नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गया वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया है क्यों क्योंकि बिना उसमें क्या है पब्लिक इंफ्रास्ट क्या देखिए डिजिटल tal पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटली की बात करो यूपीआई से आप पेमेंट करते हो ठीक है आधार कार्ड है अप है हर चीजें तो ये एग्जाम्पल है पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और ये भी आज के डेट में एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया है अपनी देश की इकोनॉमी में ठीक है तो अब चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ अब ये भी आ गया है क्योंकि डिजिटली आपको पता बताया आप कितने ज्यादा अप हैं तो ये भी एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया है ठीक है नेक्स्ट यूथ की बात की है सरकार ने यूथ को सरकार एम्पावर कर रही है कैसे सरकार ने बोला जो स्किल इंडिया मिशन था उसके थ्रू सरकार ने वन 0.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी है ठीक है प्लस अपस्किलिंग और रीस्किलिंग अपस्किलिंग मतलब होता है उनका स्किल थी और उनको कुछ स्किल दी गई हैं उनको रीस्किलिंग दी है और स्किल्स दी गई हैं ठीक है 54 लाख यूथ को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग भी सरकार ने किया है ठीक है प्लस सरकार ने नए आईटीआई आईआईटी नहीं आईटीआई तकरीबन 3000 नए आईटीआई एस्टैब्लिश किए हैं ठीक है प्लस सरकार ये बोली देखिए आईआईटी आप देखिए 2014 में 16 थे 2023 में हमने 23 कर दिए हैं तो बढ़ा दिए हैं करीबन चार तीन सात आई बढ़ चुके हैं ठीक है नेक्स्ट टू में सात एम्स थे अब दो में बाईस एम्स हो गए हैं तो आप देख सकते हैं ये भी पंद्रह एम्स बढ़ गए हैं ठीक है यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सेवन यूनिवर्सिटी थी अब दो में वन 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 थ्री यूनिवर्सिटीज़ हो गई तो सरकार अचीवमेंट बता रही है कंपेयर करी टू थाउजेंड फोर्टीन क्यों लेती है पता है उससे पहले कांग्रेस थी तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कितना वर्क किया है ठीक है नेक्स्ट सरकार कैप्ट करंट ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रही है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट अगर सरकार बता रही है तो देखिए वो कैरी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरकार ने कम किया है ठीक है और करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है क्या मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाया ना तो पहले जाके मेरे एप्लीकेशन जाके मेरे लेक्चर्स पढ़ो ठीक है वहां मैंने करंट अकाउंट डिफिसिट पढ़ाया वो सरकार बता रही है कि वो गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया है ठीक है इवन आप देखिए सरकार बोली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस पर भी बहुत डिबेट होता रहता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है सरकार के अकॉर्डिंग देखिए अनएप्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट गवर्नमेंट ने यह बोला है जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये भी गवर्नमेंट ने कहा है डिक्रीज हो रहा है अच्छी बात है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं उससे बैंक को ही बेनिफिट होगा ओके okay? प्लस जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ठीक है तो ये गवर्नमेंट ने ये अपने डाटा के थ्रू बताया है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बजट की बात करते हैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपसे पूछे आ सकते हैं जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना है तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार के जो है याद रखिए ट्वेंटी ट्वेंटी में कितना रखा गया है वो रखा गया है थर्टी लाख करोड़ रुपीज याद रखिए रेवेन्यू रिसिप्ट इतना सरकार के पास इनकम आएगी ये रिसिप्ट है आने का है ठीक है और जाने का सरकार ने कितना बजट में रखा है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव लाख करोड़ मतलब आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है बिल्कुल इसलिए तो इसी को तो कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट जो मैंने पढ़ाया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते हैं तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है तो उन्होंने बोला है ये डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बट आपको पता होना चाहिए कितना है ठीक है इसलिए यहां पर मैंशन किया है बट कितना रेवेन्यू डेफिसिट है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो सेवेंटीन लाख करोड़ याद रखिएगा ट्वेंट्डी फोर ट्वेंट्व में आपका कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू पैसा जो आ रहा है सरकार के पास और सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है वो है ये याद रखिएगा इलेवन पॉइंट वन है कितना है इलेवन पॉइंट वन ठीक है अभी आप कहेंगे सर फिफ्टीन क्यों लिख रखा है आपने क्योंकि यहाँ पर मैंने मैंशन किया है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखिएगा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस याद रखिएगा ग्रांड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं उसको भी ऐड कर लो तो आपको मिलता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का 15 लाख करोड़ रुपीस लिखा हुआ है ठीक है अभी मैं इसको तोड़ के बता देता हूं आपको कि यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और ग्रांट्स फॉर क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट्स कितना है वो भी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है ये देखिए डायग्राम देख, यहां पर बना हुआ है तो अभी मैंने अभी आपको बताया ना फिफ्टीन तो ये देख सकते हैं यहां पर इलेवन जो है वो आपका क्या है वो आपका ब्लू से लिखा हुआ है दैट इज वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है क्योंकि मैंने बताया था लाख करोड़ और थ्री पॉइंट नाइन जो है दैट इज वॉट दैट इज ग्रांड इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा फिफ्टीन लाख करोड़ रुपीज जो है वो आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है खास बात आप देखिए अगर हम बात करते हैं 2020 की 2020 में 4.1 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आज की डेट में आपका अगले चार साल में 11.1 हो गया करीबन तीन गुना आप कह सकते हैं सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया है मतलब रोड्स रेलवे इन सब पे सरकार इन्वेस्ट कर रही है ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसमें अपना पैसा लगा रही है, क्योंकि इससे देश डेवलप करेगा तो दैट्स द, द तो वेरी गुड साइन ओके आगे अगर मैं आपको ये डेफिसिट्स बता दूं डेफिसिट्स तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है जैसे मैं एक एक करके आपको साइड डेफिस था फिजिकल डेफिसट फिजिकल डेफिसिट आप देख सकते हैं 2023 ट्वेंटी ट्वेंटी में सरकार का रहेगा फाइव ठीक है फाइव ठीक है और टारगेट कितना रखा है 2024-2025 में 5.1 ये फिस्कल डेफिसिट है तो अभी 2023-2024 में कितना था 5.8 और आगे टारगेट कितना रखा है 5.1 का ठीक है नेक्स्ट आता हूँ मैं रेवेन्यू डेफिसिट में रेड कलर से रेवेन्यू डेफिसिट अगर देखा जाए तो 2023-2024 में रहा 2.8 टारगेट रखा है 2 का कितना टारगेट रखा है 2 का ठीक है नेक्स्ट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करूं ग्रीन कलर से है 2023-2024 में था 1.8 ये परसेंट ऑफ जीडीपी है 1.8 परसेंट ऑफ जीडीपी ठीक है बट अगले में टारगेट कितना रखा पॉइंट एट टारगेट रखा है 2024-2025 में ओके okay? लास्ट जो है प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट आप देखिए 2.3 सरकार का 2023-2024 में है और टारगेट रखा है 1.5 2024-2025 में तो ये जो आपको मैं डायग्राम ये जो याद रखिएगा पीपीटी आपको मिल जाएगी आप एक बार गोत्रु कर लेना ये परसेंट ऑफ जीडीपी के टर्म्स में है ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा है सरकार का कितना था या सरकार ने कितना टारगेट रखा है अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है ये एग्जाम में डेफिसिट्स का ट्रेंड जो है वो पूछा ही जाएगा ठीक है इंटरम बजट में गवर्नमेंट ने रखा है ठीक है नेक्स्ट अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें सबसे ज्यादा पैसा किस मिनिस्ट्री को मिला है तो आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को सिक्स लाख करोड़ रुपीज ठीक है सेकेंड में है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को टू कमेंट बॉक्स में बताओ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर का नाम क्या है या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्योंकि सेकंड रैंक पर वो है ठीक है थर्ड पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओके चलिए आगे अगर बात करें सरकार के पास पैसा आता कहां से सबसे ज्यादा सरकार अस सपोज सरकार के पास हंड्रेड रुपीज आ रहे हैं तो हंड्रेड रुपीज में सबसे ज्यादा सरकार को हंड्रेड रुपीज में सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए यूपीपीसी एस का पिछले साल का पेपर देख लीजिए एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज यूपीएससी एस हर जगह आप क्वेश्चन देख लें देख लेंगे आपको क्वेश्चन कॉमन मिलता है इस टॉपिक से कि हंड्रेड रुपीज फॉर एग्जाम्पल सरकार की इनकम है तो उसमें से हंड्रेड रुपीज में सबसे पैसा कहां से आ रहा है सबसे सब ज्यादा पैसा जो आ रहा है वहीं से डा, so, बोरो मतलब करती है वो सब सरकार ट्वेंटी एट अगर मैं ट्वे, हंड्रेड रुपीज की बात करूं ट्वेंटी एट रुपीज सरकार बोरोइंग से लाती है सबसे ज्यादा बोरोइंग से सरकार के पास पैसा आता है ठीक है उसके बाद आप देखते एटीन रुपीज है वो आ रहा है आपका इज़ जी नहीं सॉरी इनकम टैक्स की बात कर दो इनकम टैक्स से आपको आ रहा है नाइनटीन रुपीज कितना आ रहा है नाइनटीन आ रहा है इनकम टैक्स से फिर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आ रहा है एटीन रुपीज ठीक है कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है सेवनटीन रुपीज़ फिर आपको यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है फाइव रुपीज ठीक है ये सारे यहाँ पर मेंशन है एटलीस्ट आप टॉप फोर तो याद रखना बोरिंग याद रखना फिर आपको याद रखना है इनकम टैक्स है उसके बाद आपको याद रखना है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स और फिर है कॉरपोरेशन टैक्स टॉप फोर आपको याद रखना है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है ठीक है हंड्रेड रुपीज़ में सबसे ज्यादा बोरिंग से आ रहा है और सरकार सारा पैसा खर्च कहाँ कर रही है रुपीज़ गोज टू मतलब हंड्रेड रुपीज़ में सबसे ज्यादा सरकार पैसा लगा कहाँ रही है तो सरकार याद रखिएगा खास बात है दो जगह शेयर हुआ है ये इंटरेस्ट पेमेंट का भी ट्वेंटी रुपीज हंड्रेड रुपीज़ अगर सरकार का खर्च हो रहा है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो बीस रुपए सरकार खर्च करी इंटरेस्ट पेमेंट पे मतलब सरकार जो लोन लेती है उसमें इंटरेस्ट पे करती है कि नहीं तो इंटरेस्ट ही सरकार का बीस रुपए तो खर्चा इंटरेस्ट में चला जाता है ठीक है और बीस रुपए स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज सरकार जो स्टेट्स को टैक्सेस के थ्रू फंड्स प्रोवाइड करती है वो भी ट्वेंटी रुपीज है तो दोनों ही ट्वेंटी ट्वेंटी है ठीक है नेक्स्ट देखें सरकार का पैसा आप देख सकते हैं स्कीम्स है सरकार की दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम उसमें सोलह रुपए करीबन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है हंड्रेड रुपीज में सोलह रुपए वहां जा रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में एट रुपीज़ जा रहा है सब्सिडीज में सिक्स रुपीज़ डिफेंस में एट रुपीज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पी सी वाले स्टूडेंट्स जरूर समझ पा रहे होंगे ठीक है फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में एट रुपीज़ ठीक है पेंशन में फोर रुपीज़ अदर एक्सपेंडिचर में नाइन रुपीज़ ठीक है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है कि पैसा सरकार का कितना कहाँ खर्च होता है ठीक है टॉप फोर तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा इस बार दो जगह शेयरिंग है ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट सरकार के पास जितनी भी जी है उसमें कितना डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू है ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दैट इज रखेगा सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट येलो से है येलो इज वॉट दैट इज येलो इज योर डायरेक्ट टैक्स सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है फोर पॉइंट नाइन परसेंट तो यार कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स फोर पॉइंट नाइन परसेंट है और दोनों को एड कर दिए तो इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ जी डी पी यादगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ जी डी पी है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता

आप क्या है टैक्सेस के रूप दे तो बाकी सरकार को बोरिंग वगैरह करनी पड़ती है ठीक है तो याद रखिएगा इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट ही डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के सरकार का पैसा होता है ठीक तो है तो ये परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है ओके और लास्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि सरकार का आप ये देखिए सरकार स्टेज को कितना ट्रांसफर कर रही है 2019 में सरकार 11.45 लाख करोड़ रुपीज ट्रांसफर कर रही थी बट अभी आप देखिए सरकार 22.75 लाख करोड़ रुपीज स्टेज को ट्रांसफर कर रही है तो स्टेज को भी अच्छा खासा डेवल्यूशन ऑफ फंड्स मिल रहे हैं ठीक है तो ये था आपका पूरा इंटरिम बजट जो मैंने आपको पढ़ा दिया कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ सबसे बड़ा बजट जो है ठीक है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स अगर बात करें तो वो था मनमोहन सिंह जी नाइन में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे करीबन उन्होंने एटीन वर्ड्स यूज किए थे बजट के अपने स्पीच में ठीक है और अगर टाइम के अकॉर्डिंग में बोलूं सबसे बड़ा बजट कौन था ज्यादा टाइम लगा बोलने में तो वो थी निर्मला सीतारामन जी 2.42 पॉइंट फोर टू आर्स याद उन्होंने बोला था 2020 में 2020 में ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा स्पीच वर्ड्स के अकॉर्डिंग मनमोहन सिंह हैं टाइम के अकॉर्डिंग निर्मला सीतारमन जी हैं ठीक है थीके? और एक खास बात बता दूं सबसे ज्यादा बार बजट अभी तक कौन रख चुका है वो है मोरारजी देसाई टेन टाइम्स ठीक है और निर्मला सीतारमन जो हो गई हैं इस बार का ऐड कर दूँ तो सिक्स टाइम हो गई तो यहाँ पर आ जाती हैं ठीक है थीके? अभी भी उनसे ऊपर सी देशमुख है सेवन टाइम्स प्रणमुख खर्जी है नाइन टाइम्स है, टाइम्स पी है नाइन टाइम्स और टेन टाइम्स मुराजी देसाई हैं ठीक है तो अभी निर्मला सीदमन को और बहुत साल फाइनेंस में हिस्सा रहना पड़ेगा तब जाकर वो मुराजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी ठीक है तो ये था पूरा इंटरिम बजट जो मैंने आपको समझा दिया है मैंने गवर्नमेंट की जितनी बातें थी वो सारी आपको बताई एग्जाम क्या क्या पॉइंट्स है वो भी बताए किस तरह क्वेश्चनस आ सकते हैं वो चीज़ें भी आपको बताई पी मिल जाएगी गो थ्रू कर लेना याद हो जाएगा इनिशिएटिव कैसा लगा बजट आपको समझ में आया जो बहुत डिफिकल्ट होता है समझना वो मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है गवर्नमेंट स्कीम्स की भी बात की है अगर आपको लेक्चर पसंद आया और आप हमें कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं जो कि एक वॉलेंटरली डोनेशन होता है इफ़ यू वॉन्ट टू डोनेट अगर आपकी हेल्प हो रही है आपको लेक्चर समझ में आ रहा है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आ रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डोनेट तो हमारे क्यू कोड फोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मैंशन है आप पे कर सकते हैं बट याद रखिएगा ये एक वॉलेंटरली डोनेशन है अगर आप केपेबल हैं तो आप पे करिए नहीं केपेबल हैं कोई बात नहीं अभी आप तैयारी करें आप वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए उससे भी हमें बेनिफिट होता है तो इस वीडियो को समझाने में इस वीडियो को बनाने में मैं बता दूं मुझे टोटल 12 घंटे लगे इस पीपीटी को बनाने में क्योंकि ये डायग्राम्स जो होते हैं ना मिलते नहीं हैं कहीं पर ठीक है फिर फाइनली आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी वहाँ से भी लॉक होती है वहाँ से भी इत्यादि कॉपी नहीं होते हैं तो वो डायग्राम्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है तो याद रखिएगा ये यार तो सर ये तो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले लिए थे बट इस पीपीटी को बनाने बहुत टाइम लगा है तो प्लीज अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ही कर देंगे और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो उससे हमको समझ में आ जाएगा आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है अब मैं बात करता हूं आपने बजट तो देख लिया ठीक है आप कह रहे हो सर इसके नोट्स मिल जाएं ठीक है कब इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स मिल जाएंगे पॉलिटिक जोग्रफी हिस्ट्री ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है बजट के साथ साथ बजट तो पूछा ही जाएगा आपसे बाकी चीज़ें भी तो पूछी जाएंगी सब्जेक्ट्स का क्या होगा कि आप कोई नोट्स प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ सब सब्जेक्ट्स के चाहे वो पॉलिटी आपको ऑर्डर करना हो हैंड रिटन नोट्स रहते है हैं जोग्रफी ऑर्डर करना हो हिस्ट्री ऑर्डर करनी हो करंट अफेयर्स की बुकलेट ऑर्डर करनी हो साइंस ऑर्डर करना हो मॉडर्न हिस्ट्री सारे हैंड रिटन नोट्स टोटल 14 बुकलेट्स हैं करंट अफेयर्स की बुकलेट ऑर्डर करनी हो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं इन नोट्स को ऑर्डर करने के लिए याद रखिए फोर्टीन बुकलेट्स आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो आप अगर डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप कॉल करिए व्हाट्सएप करिए मैं आपको वहां पर भी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है इसके चार्जेस है वो मैं आपको बता दूंगा आप चाहें तो एप्लीकेशन देवशीष क्लासेज डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर आपको मेरी क्लासेज वगैरह सब कुछ मिलेंगी कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ये शो करने के लिए कि आप लोग का भी टाइम वैल्यूबल है और आपको भी टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं मैं सिर्फ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप चाहें तो कोर्सेज ले सकते हैं ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि अगर आपको पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स पढ़ने क्योंकि ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे विथ करंट अफेयर्स तभी एग्जाम क्रैक होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अम आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यह लेक्चर ठीक है प्री में क्वेश्चन देख लेना इसी टॉपिक से जो मैंने आज पढ़ाया है आप लोग कुछ दिनों बाद इसी लेक्चर में कमेंट करोगे सर ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया क्योंकि क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही है ठीक है तो याद रखिएगा जो प्री मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो बजट मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया आई होप आपको समझ में आया होगा कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए और इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करो कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई डाउट क्वेरी को है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ जो मैंने आपको बोला है इस वीडियो को शेयर करना उसको ना शेयर करना ना भूले क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को हमने बनाया है आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अब आपको पता होगा बजट के बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो आने वाला आपका फेवरेट दैट इज़ वीकली करंट अफेयर्स वो भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक किया है ऐसे ही आप लाइक करते रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आपके सामने लाता रहूँगा थैंक यू एवरीवन जय हिंद जय भारत